तो स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों पेपर हुआ बीए बीएससी मतलब कि ज्योग्राफी जो होता है बीएससी से भी आप ज्योग्राफी कर सकते हो और बीएससी भी ज्योग्राफी मतलब कि बीए में भी ज्योग्राफी आप ले सकते हैं और बीएससी में भी ज्योग्राफी आप ले सकते हैं ठीक। और पार्ट 3 मतलब कि एक प्रकार से बीए थर्ड ईयर का जो पेपर हुआ था बीए थर्ड ईयर को पार्ट 3 के नाम से जानते हैं तो उसका पेपर हुआ और उसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसको बताने का प्रयास करूँगा। एग्जामिनेशन हुआ है 2021 का ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी जो का जो थर्ड पेपर होता है उसका बी सेक्शन जो होता है यानी पेपर जो बी पेपर होता है मतलब जिसको आप साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट मतलब होता है पूरब, साउथ मतलब होता है दक्षिण और एशिया मतलब एशिया मतलब कि क्या दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में आपसे पूछा गया था जिसमें आपके तमाम सारे देश जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल है जैसे कि आपकी बात करें म्यांमार हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो गया आपका म्यांमार हो गया और इसी प्रकार से तमाम सारे देश जो कि आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तमाम सारे देश लगभग जो है 11 से 12 देश आपके यहाँ पर संकलित होंगे। किसमें मेरे भाई तो किसमें आपके लगभग अगर बात की जाए किसमें तो आपके उसमें क्या बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत ओके दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आपके ताइवान वगैरह जो हैं छोटे छोटे देश वह सभी के सभी उसी में संकलित हैं ओके ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर दिखाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपके संबंधित तमाम सारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं उन सभी को अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए अगर जो है यहाँ पर अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की दक्षिण पूर्वी एशिया में कई प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आपको देखने का जैसे थाईलैंड हो गया आपका या भी देश इसी के अंतर्गत आपका शामिल है या भी ध्यान रखेंगे ओके। थाईलैंड हो गया आपका और तमाम सारे देश हैं ओके थाईलैंड हो गया आपका और इसी प्रकार से आप देखेंगे तमाम सारे द्वीप वगैरह जैसा सिंगापुर हो गया जावा सुमात्रा वगैरह जो द्वीप हैं इसके ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों को इसको पढ़ना होता है ठीक ध्यान रखेंगे सभी बातों का ओके। आगे बढ़ा जाए मेरे भाई इसकी बात की जाए तो लगभग इसमें 11 देश आपके आते हैं बुर्नेई कंबोडिया ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड और वियतनाम ये सारे के सारे देश आते हैं। बात की जाए इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की तो 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया लगभग बात की जाए तो 1700 मील के क्षेत्रफल को छकाए हुए है। जनसंख्या लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 2012 और 2013 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार लगभग यहाँ पर जो है 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है और वहीं बात की जाए मेरे भाई 61 करोड़ जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत मिलाकर के। जनसंख्या घनत्व 135.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है रख लेते हैं मतलब कि 251 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में यहाँ पर निवास करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मानव प्रजातीय रूप है मतलब कि वह चीन के अधिक निकट है जबकि जो सांस्कृतिक रूप है वह एक प्रकार से भारत के संबंधित रखता है मतलब कि वहाँ की संस्कृति जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में है लेकिन वहाँ के जो आदमी का जो मुखौटा होता है मतलब कि जो गढ़न पात होती है उनके शरीर की वह एक प्रकार से कैसी होती है मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध रखती है मतलब कि चाइना के लगभग ठीक ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए देखते हैं तो ये एक प्रकार से इसका थोड़ा बहुत ब्यौरा हमने आपको दे दिया। यहाँ पर टाइम आपको कितने दिन मतलब दिया गया था कितना टाइम टाइम आपको 1 घंटे का दिया गया था मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 थे। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको इससे संबंधित और तमाम सारी वीडियो लेक्चर देखनी है तो इन सभी को आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड आ बा और सा तीन खंडों में आपका बटा हुआ होगा पेपर। यहाँ पर देखिए बेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पूछा गया। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स मतलब कि इन सब प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 40 शब्दों में होना चाहिए। 2×10 मतलब कि 2 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करने की आपको 10 के 10 जो है क्वेश्चन इसमें दिए गए 10 के 10 को करना है मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। या किसी विश्वविद्यालय का पेपर मुझे शायद ध्यान नहीं है ना इस बच्चे ने बताया था मुझे क्या किसका पेपर मुझे भेज रहा है। देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे साउ एक प्रकार से शान पठार के बारे में आपसे पूछा गया शान पठार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपसे जो है सोंडा चबूतरा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया सोंडा प्लेटफार्म के बारे में। अगला प्रश्न है मेरे भाई जो है मेकांग रिवर के बारे में आपसे पूछा गया इसके बारे में मेकांग रिवर यानी मेकांग नदी के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेकांग नदी घाटी वगैरह वहाँ पर पाई जाती मतलब मेकांग नदी घाटी में आप देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का जो एक प्रकार से विवरण है एक प्रकार से सही तरीके से जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेकांग नदी घाटी पढ़ लीजिएगा। आपसे और प्रश्न पूछा गया था दक्षिण पूर्वी एशिया में द्वीप समूह के बारे में आपसे पूछा गया था। द्वीप समूह किस प्रकार से आप देखेंगे तमाम सारे द्वीप हैं जैसे जावा सुमात्रा और उसके बाद में काली पंतनम द्वीप हो गया थाईलैंड भी एक प्रकार द्वीप ही पर है तमाम सारे द्वीप हैं ओके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखेंगे बंदर शेरी बेगावन से प्रश्न पूछा गया था 40 शब्दों में आपको करना था। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है माले कल्चर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था ठीक।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है माले कल्चर मतलब मलय संस्कृति, मलय संस्कृति से प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई झूमिंग कृषि यानी झूमिंग एग्रीकल्चर, इसको तो हमने बहुत बार आपको समझाया होगा झूमिंग कृषि। वैसे इन सभी प्रश्नों के लगभग अधिकतर उत्तर अगर बात की जाए, अधिकतर क्या इसमें से सारे के सारे उत्तर आपको मतलब सब प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन बी ए थर्ड ईयर का जो पेपर एक प्रकार से हमने एक बहुत पहले बनाया था, एक साल पहले की बात है, अभी से समय हमने जो है लेक्चर नहीं बनाया था, लेकिन हमने मॉडल पेपर जरूर अपलोड किया था जो है बी ए थर्ड ईयर का, आप उसको देख लीजिएगा। अभी लगभग 4-5 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें देखेंगे आपको प्रश्न मिल जाए थे ठीक, लेकिन अभी जल्दी में इसको हमने नहीं अपलोड किया था, अभी कुछ विश्वविद्यालय के पेपर बाकी हैं तो जल्द ही आपके सामने इसको देने का भी मैं प्रयास करूँगा ठीक। ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए अगर आपके पास मेरे भाई अगर जो है बुक्स वगैरह है या फिर जो है सीरीज वगैरह है आपके पास दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि आप में एशिया का कौन सा भाग संकलित है। जितने भी बच्चे ध्यान रखेंगे मुझे देख रहे हैं, सभी लोग अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे, एडमिट कार्ड में आपके जो पेपर 3 होता है उसमें अगर पेपर 3 में आपके 3-4 पेपर होते हैं उनमें एक पेपर छाड़ने को आपको आता है, तो आप देखेंगे आपको में क्या पेपर आपको मिला है, आप उसमें देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में नीचे आपको विषय जो लिखा होगा उसी में मिल जाएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रजातीय समूह आपसे पूछ रहा है, दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रजातीय समूह तो आप बताएंगे कि जो है चीन से ज़्यादा संबंध रखता है या ठीक, तो एक प्रकार से इसको हमने बताया था कुरात के पठार से आपके प्रश्न पूछा आता रहा एग्जाम्स में। अगला प्रश्न देखेंगे लावा मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया होगा, सिंगापुर के बारे में भी हमने आपको बताया, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है, थोड़े बहुत प्रश्न जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न सेक्शन बी खंड 52, चूंकि हमने इस पर मेहनत नहीं किया था, इस पर आपको बताया भी नहीं था, इसका मॉडल पेपर हमने नहीं दिया था, जैसे ही मैं आपको इसका मॉडल पेपर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे तो ये वहाँ से भी आपके जो भी विश्वविद्यालय का पेपर नहीं हुआ है उसका अवश्य आएगा, ध्यान रखिए जिनका पेपर नहीं हुआ है यहाँ से भी प्रश्न उनके पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। 60 आंसर टाइप आप क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस गिव आंसर आप इच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स मतलब 150 शब्दों में आपको लिखना है ठीक, किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है क्लाइमेट जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि आपसे पूछा गया है दक्षिण पूर्वी एशिया के जलवायु की विशेषताएं, इसको अभी हमने बताया होगा आपको प्रश्न पत्र में कि यह आप पूछा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने रखा होगा हमने थाईलैंड की एक प्रकार से भू आकृतिक विभाग ठीक, भू आकृतिक मतलब कि हमने अलग अलग लिखा होगा भू आकृतिक विभाग, यहाँ पर भू आकृतिक लिखा मतलब उसका मतलब भू आकृतिक ही है ठीक, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है यानी कि जो है मतलब कि एक प्रकार से फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ जो है यहाँ पर थाईलैंड, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ थाईलैंड से पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपके लिए स्पेसिफिक जो है कल्चरल रियलम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का विशिष्ट सांस्कृतिक परिमंडल, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर उत्पादक क्षेत्र रबर प्रोडक्शन मतलब कि एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलेशिया वगैरह थाईलैंड वगैरह देखेंगे, इंडोनेशिया में रबर की खेती आप देखेंगे ठीक, थाईलैंड में अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं सोल टाइप्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण एशिया में मिट्टी के प्रकार, इसको भी हमने बताया होगा पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार प्रश्न बनते हैं मिट्टी को लेकर के, वहाँ पर संसाधन को लेकर के भी एक प्रश्न लगातार बनता है ठीक, ध्यान रखेंगे। थाईलैंड को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया, भाई थाईलैंड को आपसे पूछा गया ना थाईलैंद को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया, तो इसमें 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था, पश्चिमोत्तर पर्वतीय भाग कुरात पठार, तीसरा मध्यवर्ती मैदान, चौथा दक्षिणी थाईलैंड तथा पाँचवा जो है दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे भाई क्या पूछा गया था मलेशिया में नगरीकरण जो है का प्रतिरूप, मलेशिया में नगरीकरण का प्रतिरूप मतलब पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन मलेशिया ओके। आगे देखते हैं सेक्शन सी से प्रश्न आपके कैसे पूछे गए थे, सेक्शन सी यानी खंड 7 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर नोट अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न आपको करने थे 400 शब्दों में उसको लिखना था। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है यहाँ पर देखेंगे डिफाइन रीजन एंड डिस्कस इट्स मीन जो है एक प्रकार से करैक्टरिस्टिक्स से मतलब कि प्रदेश को परिभाषित कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं के वर्णन कीजिए ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या कि गिव एन अकाउंट ऑफ जो है ड्राई मतलब कि जो है ड्रेन्स पैटर्न ऑफ साउथ एशिया मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया की अफवाह प्रतिरूप पर का विवरण दीजिए, इसके बारे में इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में इंक्लूड करा था, अफवाह मतलब कि नदी वगैरह के बारे में आपसे पूछ रहा ठीक ठीक, ध्यान रखेंगे। अफवाह वगैरह मतलब क्या होता है कि नदी कितनी बह रही है उसका अर्थ मतलब कि एक प्रकार से नदियों का जाल कैसा है इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था पूछा गया था क्या कि डिस्कस द जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जो है पेट्रोलियम जो है इन जो है
ई एशिया मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन का विवेचना कीजिए, मतलब कि विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमने आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया है, इसको आप लोग मतलब कि मॉडल पेपर में, तो एक प्रकार से आपके हमने ऐसे प्रश्नों को जरूर शामिल किया जो कि आपके पूछे ही गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, म्यांमार का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। म्यांमार का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, आपसे कह रहा है म्यांमार का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, मतलब कि गिव अ जियोग्राफिकल अकाउंट जो है ऑफ म्यांमार। ठीक, आगे समझते हैं। तो इतने सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो है इकोनॉमिक का जो पेपर टू हुआ है उसके बारे में, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ जो है इंडिया के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।